बरातियों और डीजे वालों के बीच विवाद हुआ था बारात निकालने के दौरान। आज जब बारात विदा होकर जा रही थी, उसी दौरान गढ़ थाना अंतर्गत ग्राम धुम्मा में डीजे वालों ने कार पर जमकर की पत्थरबाजी, कार के शीशे तोड़े, दूल्हे के गले से चैन खींची और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर डीजे वालों की तलाश की प्रारंभ। गढ़ थाना अंतर्गत धुम्मा में नेशनल हाईवे के ऊपर लौटती बारात पर डीजे वालों ने जमकर पत्थरबाजी की, दूल्हे की चैन लूटी, कार के शीशे तोड़े, मौके से फरार हो गए। यह सारा नज़ारा डरी सहमी पहली बार अपने ससुराल जा रही दुल्हन चुपचाप देखती रही। किस तरीके से डीजे वाले उसके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, कार के शीशे तोड़ रहे थे, उसके दूल्हे की गले की चैन खींचकर भाग गए। गढ़ थाने में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, अपराधियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बारात लगाने के दौरान बीती रात डीजे वाले और बारातियों के बीच कुछ विवाद हुआ था। रात को तो दोनों पक्षों में बातचीत के बाद समझौता हो गया था। आज दूसरे दिन जब बारात विदा होकर धुम्मा गांव के पास पहुंची थी, उसी दौरान काफ़ी तादाद में लोगों ने बारात को घेर लिया और जमकर पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से कार के शीशे टूट गए। उपद्रवियों ने दूल्हे के गले से न जाने कब चैन खींच ली और मौके से फरार हो गए। हम आपको बता दें, रवि कुमार मांझी पिता प्रेमलाल मांझी पनासी गांव के रहने वाले, उनकी शादी नवा गांव में तय हुई थी। बीती रात बारात लगने के दौरान कुछ विवाद हुआ था, जिसे आपस में सुलझा लिया गया था। उसके बाद सब कुछ शांतिपूर्ण बीता, शादी बेहतर माहौल में बेहतर तरीके से संपन्न हुई, विदाई भी जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हुई। आज जब बारात विदा होकर जा रही थी, उसी दौरान डीजे वालों ने एक बार फिर बारात को घेरा और कार के शीशे तोड़े, दूल्हे की चैन खींची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर हमने एडिशनल SP मऊगंज BK लाल से बात की, साथ ही हमने बात की दूल्हे रवि कुमार से। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना था इस दौरान दूल्हे के साथ कार में मौजूद दुल्हन डरी सहमी सारा नज़ारा देखती रही। उसके तो समझ में ही नहीं आया ये सब क्या हो गया, पहली बार वो अपने ससुराल जा रही थी। सुनिए दूल्हा और पुलिस क्या कुछ कह रही है। ये कल रात से इनका विवाद हुआ था बारातियों का और डीजे वालों का, फिर कल समझौता हो गया था, आज पुनः इनने उस गाड़ी में पत्थर वगैरह मार दिए, जिसका अपराध पंजीयन करके विवेचना की जा रही है। दूल्हे ने लूट का भी आरोप लगाया चैन, ये सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। FIR में उसने अभी ऐसा नहीं बताया। कहाँ पास गिर रहा है? ये गढ़ थाना है उसके कटरा। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं सर? पुलिस जुटी है उनकी तलाश में। कितने नाम, कितने लोग को लगाए गए? 3-4 लोगों के बारे में भी उन लोगों ने नाम बताया है, बाकी के संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पथराव के दौरान कुछ लोग घायल भी हैं? घायल भी है, उनको अस्पताल तत्काल भेजा गया। आपका नाम क्या है? रवि कुमार मांझी। कहाँ आप गए थे बारात लेके? नवा गांव। आज ये घटना कहाँ पर हुई है आपके साथ? ये बस स्टॉप घूमा के पास हुआ है। जी, आपके पिता का नाम क्या है? श्री प्रेमलाल मांझी। आप कहाँ जा रहे थे? जी पनासी गांव। पनासी गांव। कितने बजे ये घटना घटी? लगभग 12:24 ऐसे रहा होगा, 12:30। कितने लोग थे हमलावर? हमलावर लगभग 15 से ऊपर थे। क्या कुछ विवाद किए? विवाद पे तो हमको नहीं जानकारी है, उन्होंने लेकिन उन्होंने ऐसे रोड ब्लॉक किया और हो गया, पहले पत्थर फेंके हैं, फिर हमारे साथी के साथ मारपीट किए, हो गया और पूरी कांच फोड़ दिए चारों तरफ की। कुछ लूटपाट भी किए हैं? लूटपाट मेरी चैन थी तो ऐसे झपटे मारे और नोटिस नहीं कर पाया कब मेरी चैन निकाल के चले गए। चैन ले गए जी, और कुछ ले गए? जब मेरा तो ऐसे कुछ नहीं। और कुछ कह रहे थे? जी अभी तो फिलहाल और कुछ नहीं कह रहे थे।